कि भाई ये पाई ही क्यों लिया, इसकी जगह पे कुछ और क्यों नहीं लिया, और लिया हुआ बचपन से ही क्या ये 2πr, 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 ये 2π/7 इसकी गलत वैल्यू है, ठीक है ना, वो खुद निकल गया इस दुनिया से, पर कंप्यूटर को भी चैलेंज किया गया। सुपर कंप्यूटर ने 5 ट्रिलियन डाटा कनेक्ट कर लिए, उसने हाथ जोड़ा बोला कि भैया हमसे। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम समझने वाले हैं पाई के बारे में। पाई होता क्या है, पाई के यूज़ क्या हैं, पाई से फॉर्मूले कैसे बने, पाई का उपयोग कहाँ पे होता है, और ये पाई ही क्यों है, इसकी जगह पे कुछ और क्यों नहीं है, क्या ये पाई सिंबल है, लेटर है, क्या है, कौन सी भाषा का है, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। और आपने सुना होगा होगा कभी कभी कि 2π/7 पाई की गलत वैल्यू है, ये सुन के आपके पैरों के नीचे ज़मीन हिल गई ना। लेकिन इसके बारे में भी एक लॉजिक है, ये करेक्ट है, सही है, इस सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले पाई पे चर्चा करते हैं कि पाई है क्या, पाई आया कहाँ से। इसको जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा पुराने ज़माने में, जैसे कि 3500 ED के आसपास। उस टाइम पे हुआ क्या, जैसे देखो आज के टाइम पे हुआ क्या कि हमको किसी दूर व्यक्ति से बात करनी थी तो हमने टेलीफोन बना लिया, फिर हमको गर्मी लगी तो हमने AC बना लिया, फिर हमने सोचा कि हमको अपना खाना अपनी चीज़ें सेव करके ठंडी करके रखनी है तो हमने क्या कर लिया, फ्रिज बना लिया। उसी टाइप से जैसे हमने किसी की फ़ोटो क्लिक करने के लिए कैमरा बना लिया, ये सारी चीज़ें बनाई गई उसी टाइम पे। उस टाइम के जो मनुष्य थे, उस टाइप के जो मानव थे हमारे पूर्वज, उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उनको सामान उठाने के लिए अपने खुद का उपयोग करना पड़ता था, वे खुद ही सामान उठा के ले जाते थे। तो इसको सही करने के लिए, इससे बचने के लिए उन्होंने एक गाड़ी बना ली, गाड़ी हाथ गाड़ी जो नगर पालिका में होती है ना, वो उसी गाड़ी का एग्जाम्पल लिया जाता है उस टाइम के लिए, पर वो ऐसी नहीं थी, उसमें एक पहिया था और वो गाड़ी थी, कुछ भी लकड़ी वकड़ी बांध के उन्होंने उस गाड़ी को बना लिया। अब उस गाड़ी में हुआ क्या, जो पहिया था ना वो गोल नहीं बना, जिस वजह से वो गाड़ी हिचकोले खाती थी और सामान गिर जाता था, सामान गिरने से उनका नुकसान हो जाता था और उसको दोबारा भरने की मेहनत। तो इसको सही करने के लिए, मतलब उस पहिए के मेजरमेंट के लिए, पहिया गोल करने के लिए, पहिए का मेजरमेंट बनाने के लिए पाई का आविष्कार हुआ। अब हुआ कैसे कि बहुत टाइम लगा होगा, उसके बाद किसी ने बताया कि इस पहिए की अगर डायामीटर जो है वो 7 यूनिट है, पहिए का डायामीटर अगर 7 यूनिट है तो उसका जो सरकमफेरेंस है वो 22 यूनिट होना चाहिए। ये किसी ने बताया होगा सबसे पहले, उस किसने बताया ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो 7 और 22 ये है क्या, तो 22 सरकमफेरेंस है और 7 एक परफेक्ट गोला, एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए हमको चाहिए कि उसका डायमीटर अगर 7 यूनिट है तो उसका सरकमफेरेंस 22 यूनिट होना चाहिए, मतलब उसका व्यास 7 यूनिट और उसकी परिधि 22 यूनिट होनी चाहिए, ये अनुपात है। अब आपको पता चला कि ये 2/7 क्या है, 2/7 क्या है, 2/7 है सरकमफेरेंस और डायमीटर के बीच अनुपात। तो हम बोल सकते हैं कि पाई जो है वो इन दोनों का अनुपात है, बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में एक चिन्ह आ रहा होगा, या प्रश्न चिन्ह आ रहा होगा कि भाई ये पाई ही क्यों लिया, इसकी जगह पे कुछ और क्यों नहीं लिया, और लिया तो कहाँ से लिया। देखो पाई जो है ना वो ग्रीक भाषा का लेटर है, जैसे हमारी इंग्लिश में लेटर होते हैं ABCDEFG, हमारी हिंदी के वर्णमाला में लेटर होते हैं छोटा बड़ा, उसी टाइप की जो ग्रीक में जो वर्णमाला चलती है उसमें लेटर होते हैं ये पाई टाइप के। जैसे हमारी इंग्लिश की वर्णमाला में 16वां लेटर जो है वो पी है, उसी तरह इस ग्रीक की भाषा में जो वर्णमाला है उसमें जो लेटर है वो 16वां लेटर पाई है। आपने बोला ठीक है भैया होगा, उससे हमें क्या, ये पाई ही क्यों लिया। दरअसल हुआ क्या कि ये पाई का आविष्कार भी ग्रीक में हुआ था, अब ग्रीक में हुआ तो भी सही, फिर पाई ही क्यों लिया, तो इसके पीछे एक बड़ा ही मस्त लॉजिक है। जैसे हमारे यहाँ इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, ग्रीक में सरकमफेरेंस को पेरीफेरी बोलते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो डायामीटर है उसको पेरीमीटर बोला जाता है। दोनों का उच्चारण जो है वो पाई से शुरू हो रहा है, किससे हो रहा है, पाई से शुरू हो रहा है। इस पाई से शुरू होने के वजह से
बाकी जो जो भी थे उन्होंने लॉजिक लगा लिया कि इतना सारा लिखने के बजाय हम सीधा पाई लिख देते हैं, इसलिए पाई को लिया गया। ठीक है, तो हम पाई को कैसे डिनोट कर सकते हैं? हम पाई को डिनोट कर सकते हैं कि पाई सरकमफेरेंस और डायामीटर के अनुपात को बोलते हैं, उसके रेशियो को बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये पाई क्या है और 22/7 क्या है। ठीक है ना, ऊपर वाला क्या है, सरकमफेरेंस है, और नीचे वाला डायामीटर है। अब मैथ का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उस फॉर्मूले को इसी से बनाते हैं। देखो, सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर बराबर पाई। ठीक है, डायामीटर क्या होता है, दो त्रिज्या, दो रेडियस से मिलके क्या बनता है, डायमीटर बनता है। डायमीटर हटा के मैं लिख सकता हूँ ना, रेडियस, टू रेडियस लिख सकता हूँ। और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये गुणा में है, ये इधर भाग में है, तो ये ऊपर गुणा में चला जाएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे सी बराबर 2πr। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया मैथ का। आपने सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला रटा होगा बचपन से ही, क्या कि 2πr, ये 2πr कहाँ से आया, समझ में आया, सरकमफेरेंस बराबर 2πr, ये आपने बचपन से पढ़ा था। ये फॉर्मूला कैसे आया आपको पता चल गया, इस तरह से आप इसके फॉर्मूले भी बना पाएंगे अब। ठीक है ना, क्योंकि पाई के अनुपात आपको पता चल गया कि ऊपर सरकमफेरेंस, नीचे डायमीटर। ठीक है, आप परिधि निकालने का फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो ये कि आपने बोला कि 22/7 इसकी गलत वैल्यू है, गलत नहीं है भाई, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने बोला परफेक्ट वैल्यू नहीं है। देखो, पाई की जो परफेक्ट वैल्यू है वो है 3.14159, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है। और जो हम 22/7 होती है, 22/7 वो क्या है, वो है 3.14285। ठीक है, देखो इस पाई की जो वैल्यू है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होती कभी। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, इनरेशनल नंबर होता है, पाई इनरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको बहुत सारे वैज्ञानिक इस चक्कर में निकल लिए इस दुनिया छोड़ के कि उनको पाई की वैल्यू निकालनी थी एग्जैक्ट, मतलब बिल्कुल फिक्स वैल्यू निकालनी थी। उन्होंने सपना पूरा जीवन लगा दिया इस पाई की वैल्यू को निकालने के, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। ठीक है ना, वो खुद निकल गया इस दुनिया से। फिर आपने बोला कि इसको क्यों लिया, तो ये माइनर सा चेंज है इसमें, बिल्कुल माइनर सा चेंज है, इसकी और इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम सी होती। कभी कभी आपको ये मिलती है, कभी कभी ये मिलती है, इसको अधिकतर लिया जाता है क्योंकि इसको काटना, जो मैथ में सॉल्व करना इजी होता है, और इससे जो आंसर आते हैं वो लगभग सेम ही आते हैं, क्योंकि बिल्कुल माइक्रोवेव में भी आप नापेंगे तो भी इतना चेंज इसमें नहीं मिलेगा। क्या हुआ कि इस बार पाई की वैल्यू को निकालने के लिए एक बार सुपर कंप्यूटर को भी चैलेंज किया गया। सुपर कंप्यूटर ने 5 ट्रिलियन डाटा कनेक्ट कर लिए, पर वो पाई की वैल्यू को काट नहीं पाया इस छोटे से माइंड को। उसने हाथ जोड़ा, बोला कि भाई साहब हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तब भी ये पाई की वैल्यू आज तक चली आ रही है, कट नहीं पाई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाई, किसी ने निकाल नहीं पाई, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू आपको समझ में आ गई कि एग्जैक्ट कौन सी है, और 22/7 को क्यों लिया गया, और 22/7 का लॉजिक क्या है। नहीं तो आप तो मुझ पे दोषी बना देते कि हम तो इसी से सही करते हैं। ठीक है ना, इसी से सही होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इसे सही होते, इसी से सही होते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल माइनर सा चेंज है, इसलिए क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम जो निकालते हैं उसमें कोई फर्क नहीं दिखता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। फैक्ट ये है कि पाई डे मनाया जाता है, आपको पता है पाई डे मनाया जाता है, और इस पाई डे मनाने के पीछे जो लॉजिक है ना, वो बड़ा कमाल का भाई। इस लॉजिक को सुन के आपको मजा आ जाएगा। लॉजिक क्या है कि पाई की वैल्यू आपको दिख रही है क्या, पाई की वैल्यू है 3.14159, ये पाई की वैल्यू है। अब पाई की जो मनाया जाता है ना पाई डे, वो मनाया जाता है 14 मार्च, मतलब 14 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 मार्च को। अब ये लेने के पीछे बड़ा लॉजिक है। देखो, ये 3 दिखा है, और ये मार्च कौन सा महीना होता है,
तीसरा महीना होता है जनवरी फरवरी मार्च, तो इस तीन से लिया गया तीसरा महीना यानी कि मार्च। इस 14 से ली गई डेट यानी कि 14 मार्च, और 14 मार्च को भी कब, एक पॉइंट ऑफ टाइम है कब, 1:59 पर पाई डे मनाया जाता है। तीसरा महीना 14 तारीख 1:59, ये कहाँ से आए, ये पाई की वैल्यू से आए। मज़ा आ गया, ये थी पाई डे की कहानी, ठीक है ना। अब आपको एक और लॉजिक बताता हूँ कि पाई डे से इससे रिलेटेड एक फैक्ट और बताता हूँ कि इस डे की बड़ी खासियत है। क्या खासियत है कि इस दिन आइंस्टीन का जन्म हुआ था। आइंस्टीन भाई साहब को जानते हो ना, उन्हीं का जन्म हुआ था। और स्टीफन हॉकिंस एक क्रांतिकारी आदमी, उसको तो जानते ही होंगे आप, उसकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। समझ रहे हो कि पाई डे, पाई की वैल्यू, आइंस्टीन का जन्म, स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु, दिन में कुछ तो लॉजिक है भाई, बड़ा दमदार दिन है। समझ रहे हो बात को, ये थी इस दिन की कहानी, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको अब कैसा लगा ये आपको मुझे बताना है, और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो मैथ को पसंद करते हैं, उनके साथ शेयर करना है, अपने स्कूल के बच्चों को, आप अगर कॉलेज में है तो कॉलेज के बच्चों को, कॉम्पिटिशन में है तो कॉम्पिटिशन के बच्चों को दिखाइएगा ज़रूर, ठीक है। और हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।